नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्नोहोलिक टीवी। तो यार, आज की वीडियो में हम बात करने वाले मीडियाटेक के नए जो उन्होंने 5G चिपसेट अपना अनाउंस किया है उसके बारे में। नाम है दोस्तों जिसका मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1000 5G। अब यार ये एक नई लाइनअप होने वाली है मीडियाटेक की तरफ से। यहाँ पर आपको कई सारे 5G जो चिपसेट हैं वो देखने को मिलेंगे हर प्राइस सेगमेंट में, यानी कि 10,000 के अंदर भी आपको जो फ़ोन आएगा उसमें भी आपको 5G चिपसेट देखने को मिल जाएंगे मीडियाटेक की तरफ से। तो डायमेंसिटी सीरीज का जो पहला चिपसेट है 1000 5G, उसके बारे में बात करेंगे। तो बिल्कुल अच्छी तरह मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ क्या इसके एंटूटू बेंचमार्क हैं, क्या इसके गीकबेंच स्कोर है, कैसा ये रहने वाला है और किस प्राइस में ये फ़ोन्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल सही तरह से आपको चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं साइज़ की कि क्या साइज इस चिपसेट का रहने वाला है। तो ये आपको 7 nm के ऊपर देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी सही चीज़ है, क्योंकि इससे पहले जो भी मीडियाटेक के चिपसेट थे, चाहे वो G90T हो या हेलियो सीरीज के हो, तो वो आपको 12 nm पर देखने को मिले थे। यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा 7 nm का, यानी 2020 में 5G के साथ दोस्तों नई आर्किटेक्चर को भी वो अपनाने जा रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा अगर कोर्स की बात करें तो ऑक्टा कोर दोस्तों ये पूरा का पूरा चिपसेट रहने वाला है। यहाँ पर अच्छी बात दोस्तों ये है कि जो ऑक्टा कोर है वहाँ पर जो कोर की फॉर्मेशन है, यहाँ पर आपको 4 कोर देखने को मिलेंगे कोटेक्स के A77 के, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट दोस्तों आपको देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों इन 4 कोरों की फ्रीक्वेंसी रहने वाली है, जो कि हाई परफॉर्मेंस के कोर होंगे ऑब्वियसली, तो ये रहेंगे 2.6 GHz पर। बिल्कुल ज़्यादा नहीं आपको फ्रीक्वेंसी देखने को मिल रही है, जैसे कि 2.8 2.9, लेकिन जो देखने को मिलेगी वो बिल्कुल आइडियल आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जो 4 कोर आपको देखने को मिलेंगे वो कोटेक्स के A55 के आपको देखने को मिलेंगे 2 GHz पर, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। यानी कि जो 4 कोर आपको मिलते हैं वो कोटेक्स A77 के, तो ये आप कह सकते हो कि ये मिड रेंज में आपको, यानी कि मिड रेंज से ऊपर की आपको परफॉर्मेंस देने वाले हैं, फ्लैगशिप लेवल की आपको परफॉर्मेंस देने वाले। इसके अलावा जो GPU है उसको भी यार खासा इंप्रूव किया गया है। GPU में भी आपको माली का G77 जो कि लेटेस्ट है उसके दोस्तों आपको 9 कोर देखने को मिलेंगे, तो ये एक अच्छी बात है कि 9 कोर आपको G77 के देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं G90T की बात करूं तो G76 के आपको कोर देखने को मिलते हैं और ओनली 4 ही कोर आपको देखने को मिलते हैं, जब भी उसकी आप गेमिंग परफॉर्मेंस को देख सकते हो। और अब दोस्तों यहाँ पर कोर की संख्या भी बढ़ चुकी है नए आर्किटेक्चर के साथ, नए साइज के साथ दोस्तों नए कोर भी आपको देखने को मिल रहे हैं G77 के। तो जो GPU की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी खास है, और जो बेंचमार्क दोस्तों मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कि कितना इन्होंने स्कोर किया है GPU और CPU में। अब इसके बाद दोस्तों AI की बात करें तो AI हमेशा से मीडियाटेक की अच्छी रही है। यहाँ पर भी दोस्तों आपको हेक्सा कोर यानी कि 6 कोर वाली AI देखने को मिलेगी, जिससे काफ़ी अच्छी आपकी AI यानी कि जो AI टास्क हैं फोटोज़ में, चाहे कैमरा में हो, चाहे CPU में हो, चाहे GPU में हो, तो वहाँ पर दोस्तों आपको अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों जो AI है इन्होंने इसको APU कहा है, हालांकि जो NPU आपने कई चिपसेट में सुना होगा तो बिल्कुल वही दोस्तों है, बस उसका नाम इन्होंने APU रख दिया है। हालांकि APU एक अलग चीज़ होती है, बट फिर भी इन्होंने APU कहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जो दोस्तों खास चीज़ है वो है कि ये 5G चिप है, तो 5G दोस्तों इसमें आपको एक्स्ट्रा में मॉडेम कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये इंटीग्रेटेड एक 5G आपको चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। खास बात दोस्तों ये है कि इसमें दोनों सिम आप 5G के लगा सकते हो एक ही टाइम पर, तो ये एक अच्छी चीज़ है, एक नई चीज़ है, और सबसे पहले दोस्तों ये चीज़ ये लेकर आ रहे हैं। और इसके साथ ही एक खास चीज़ दोस्तों ये है कि इसमें जो डाउनलोडिंग स्पीड आपको मिलेगी वो 4.6 GB/s के हिसाब से मिलेगी, और अपलोडिंग स्पीड भी दोस्तों आपको 2.5 GB/s के हिसाब से अपलोड आपको स्पीड देखने को मिल जाएगी, तो ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है अगर मैं कंपेयर करूँ 4G से, और मोडेम भी काफ़ी ताकतवर इनका रहने वाला है आपकी बात। इसके अलावा एक खास चीज़ है रैम के बारे में, तो रैम दोस्तों आपको क्वैड चैनल यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, 16 GB तक के आप मैक्सिमम लगा सकते हो, साथ में LPDDR4X रैम का आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इसकी फ्रीक्वेंसी 2100 MHz से ऊपर की आपको देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल दोस्तों ये तो थे इस चिपसेट के बारे में कुछ बातें। और इसके अलावा कैमरा की बात करूँ तो कैमरा में भी दोस्तों आपको 5 कोर वाले ISP देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब इसके ISP में दोस्तों खास बात मुझे ये लगी है कि यहाँ पर जो प्राइमरी कैमरा है वो 80 MP तक का सपोर्ट कर सकता है, और 32+16 MP के आप डुअल कैमरा लगा सकते हो। हालांकि यार ये इतने सटीक नहीं होते हैं मीडियाटेक के मामले में, क्योंकि इससे कहीं ज़्यादा आप मेगापिक्सल का इसमें यूज़ कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियस सी बात है आपको जो बताया गया है फिलहाल तो यही सामने आई है। अब इसके बाद दोस्तों रिकॉर्डिंग की बात करें तो 4K में आप सब आराम से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। अब इसके बेंचमार्क की दोस्तों बात कर लेते हैं, तो बेंचमार्क दोस्तों आपको इस फ़ोन के यहाँ पर लीक होकर आए 5,11,000 से ऊपर, यानी कि ये 5 लाख बेंचमार्क को क्रॉस कर गया है, तो ऑब्वियसली मिड रेंज किलर के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ पर अगर बात करें कि बाकी बेंचमार्क स्कोर GPU के आपको कितने देखने को मिलेंगे, तो GPU के मामले में दोस्तों आप देख सकते हो कि लगभग 2 लाख के आसपास इसने GPU में स्कोर किया है, तो ये अच्छी बात है। हालांकि सटीक दोस्तों ये है या नहीं है ये तो यार कन्फर्म नहीं कहा जा सकता,
लेकिन इतना तो है दोस्तों कि 5 लाख के आसपास आपको बेंचमार्क देखने को मिल सकते हैं, 4,80,000 भी आपको देखने को मिल सकते हैं, 85, 4,85,000, लेकिन जो बेंचमार्क है वो काफ़ी ज़्यादा आए हैं, Geekbench के स्कोर भी 11,000 से ऊपर आए हैं, तो इसका मतलब है कि प्रोसेसर में रियली में दम है। अभी जो फ़ोन के साथ दोस्तों जो ये कम्पीट करेगा वो है दोस्तों स्नैपड्रैगन 855 या 855 प्लस वाला फ़ोन। अब कई मामलों में ये उससे थोड़ा सा बेहतर भी परफॉर्म करेगा, कई मामलों में कम भी परफॉर्म करेगा, लेकिन ये ट्रूली आप कह सकते हो कि स्नैपड्रैगन 855 किलर है, क्योंकि किलर का मतलब यही नहीं है कि खाली परफॉर्मेंस में ज़्यादा अच्छा हो जब भी किलर होगा, लेकिन अंतर दोस्तों यहाँ आता है जब प्राइसिंग की बात आती है, तो ये काफ़ी कम प्राइसिंग में आपको देखने को मिल जाएगा, शायद ये स्टार्टिंग 225,000 में ही आपको देखने को मिल जाए इंडिया में, या इससे कम में भी दोस्तों ये देखने को मिल जाए, तो ये देखने वाली बात होगी। मीडियाटेक 2020 में दोस्तों नई शुरुआत करने वाला है 5G के साथ, और सबसे कम प्राइसिंग में आपको सबसे ज़्यादा आपकी बार परफॉर्मेंस फीचर देखने को मिलने वाले हैं, तो एक अच्छी बात है, G90T इसका खासा आप एग्जांपल देख सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, एक नई वीडियो भी दोस्तों हम बनाएंगे जिसमें स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक को कंपेयर करेंगे 2020 में क्या उनकी स्ट्रेटेजी है और कैसे वो एक दूसरे को टेक ओवर करेंगे, और आपकी राय दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो को नीचे आप कमेंट कर ज़रूर बता सकते हो कि आपको कैसा लगा ये डायमेंसिटी 1000 5G। इसमें इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, शाम को दोस्तों टेक न्यूज़ आप बिल्कुल मत भूलना देखना, 5 बजे दोस्तों मैं बिल्कुल फिक्स टाइम पर अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसमें इतना ही, वीडियो में आपसे फिर मुलाकात, तक के लिए जय जय भारत।